देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है या कोई मामला हो, किसी पे कोई कार्रवाई करते हैं? जी नीतीश जी, सबको संरक्षण है ना देते हैं? कितना मंत्री का नाम गिना है? अभी हाल में उनकी विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, लेसी सिंह का क्या हुआ? उनको बुला के पूछे भी मुख्यमंत्री जी की क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। उससे पहले कितना विधायक से लेकर के कितना लोगों का हत्या कर दिया गया, कौन कौन किया, कौन कौन शराब कांड में पकड़े गए, ये किसी से छुपा है? अरे बिहार में अपराधी मस्त है क्योंकि नीतीश कुमार है, बात को समझिए ना। इसमें तो साफ साफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी ने फैसला लिया है कि भाजपा को कोई हरा सकता है वहां तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और बंगाल में भी हम लोगों ने बिना समर्थन के ममता जी को समर्थन हम लोगों ने दिया था, बिना शर्त सम के, बेशर्त हम लोगों ने पूरी तरीके से तन मन से ममता जी को हम लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि बंगाल में भी हम लोगों को लगता था कि ममता जी उनको हरा सकती है। तो साफ तौर पे इसमें कोई नई बात तो है नहीं, वो वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी साफ साफ कह दिया, तो उसमें हम लोगों का समर्थन उन्हीं को होगा, आदरणीय अखिलेश जी को होगा, उन्होंने काफी काम किया है और यूपी की जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। वो वैसे कहीं रुकावट तो नहीं बन जाएंगे? बिहार विधानसभा का विंटर सेशन सत्र जो है आज से शुरुआत हुई है। सबसे पहले जिन साथियों को हम लोगों ने अपने बीच से खोया है उनको हम लोगों ने सदन में याद किया, शोक प्रस्ताव रहा। एक छोटा सत्र है ये, 4-5 दिनों का सत्र है और बिहार में बिहार की जनता के कई सवाल हैं जो सरकार से वो जवाब चाहते हैं। बिहार के सभी लोग, 13 करोड़ आबादी जो है, इस मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। डबल इंजन कोई काम का नहीं, इंजन जो है अब चलने का काम नहीं हो रहा बल्कि खराब हो चुका है। और एक इंजन लगातार, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि जो मौजूदा स्थिति है ट्रबल इंजन हो गया है। पूरी तरीके से सरकार ने जो भी वादे किए, एक वादा जो है अपना पूरा नहीं किया, चाहे 7 निश्चय की कोई योजना हो, हरियाली योजना 24,000 करोड़ का। क्या इस आयुष के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।